नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। लोग आजकल बॉक्स वाले बेड का इस्तेमाल करते हैं। यह देखने में तो अच्छे लगते हैं, इसके साथ ही इसमें काफ़ी सामान संभल जाता है, मगर वास्तु अनुसार पलंग में या इसके नीचे कुछ भी रखना अशुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होने के साथ परिवार वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं पलंग के नीचे व अंदर किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, अगर आपके बेड के नीचे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है तो तुरंत उसे उठा दें। वास्तु अनुसार इससे वास्तु दोष पैदा होता है। इससे घर के सदस्यों की मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अनिद्रा की समस्या हो सकती है। कपड़ों की गठरी, बहुत से लोग बॉक्स वाले बेड में फटे पुराने कपड़ों की गठरी बनाकर रख देते हैं, मगर वास्तु अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके अलावा ही घर में तनाव, परेशानी व आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जंक लगे लोहे, बेड के नीचे कभी भी जंक लगे लोहे को नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है, साथ ही आर्थिक समस्या झेलनी पड़ सकती है। प्लास्टिक की चीज़ें, पलंग के नीचे प्लास्टिक की चीज़ें रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। झाड़ू, अगर आप भी पलंग के नीचे झाड़ू रखती हैं तो अपनी इस आदत को सुधार लें। वास्तु अनुसार इससे मन और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सेहत व पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। जूते चप्पल शीशा और तेल, कई लोग जूते चप्पल संभालने के लिए उसे बेड के नीचे रख देते हैं, मगर ऐसा करने से कमरे में व न घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही शीशा तेल पलंग के नीचे रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसे में इन चीज़ों को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।